नरेला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विश्वास सारंग लगातार लोगों के बीच पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं। एक बार फिर विश्वास सारंग का अनूठा अंदाज देखने को मिला जब वो खुद साइकिल चलाकर आमजन के बीच पहुंचे और जनता का आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी जनता के बीच पहुंचकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। नरेला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विश्वास सारंग भी इन दिनों लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। विश्वास सारंग खुद साइकिल चलाकर वार्ड नंबर 38 पहुंचे, जहां लोगों से मिलकर सारंग ने उनका आशीर्वाद मांगा। इस दौरान बच्चों ने भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मुखौटा पहनकर विश्वास सारंग का साथ दिया। वार्डवासियों ने फूल मालाओं से विश्वास सारंग का जोरदार स्वागत सत्कार किया। इस दौरान विश्वास सारंग ने कहा कि नरेला मेरा परिवार है, अब ये चुनाव पूरा नरेला परिवार लड़ रहा है। लोगों में जबरदस्त उत्साह है, हमने कई विकास कार्य किए हैं, यहाँ प्रचंड बहुमत से फिर कमल खिलेगा। जबरदस्त लोगों में उत्साह है और जो विकास नरेला विधानसभा में हुआ इसको जनता ने शिरोधार्य किया है। हमने एक एक घर में नर्मदा का जल पहुंचाया, रोड बनवाई, जिस रोड पर आज चल रहे ये अभी हमने बनवाई है, नाले नालियों का निर्माण करवाया, स्कूल कॉलेज फ्लाईओवर बड़े बड़े पार्क हॉस्पिटल संजीवनी क्लिनिक सब तरह का विकास का काम हमने किया है। मुझे पूरा विश्वास है प्रचंड बहुमत से नरेला विधानसभा में कमल खिलेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।